माइक्रोसॉफ्ट इस महीने विंडोज 11 लॉन्च करने के लिए तैयार है। इस हफ्ते की शुरुआत में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज की अगली पीढ़ी के लिए एक लॉन्च इवेंट की घोषणा की, लेकिन इससे पहले भी इस नए वर्जन को क्या कहा जाएगा, इसको लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सभी संकेत विंडोज 11 के लॉन्च की ओर इशारा कर रहे हैं। फर्म ने सार्वजनिक रूप से ऐसा नहीं कहा है और अपने बड़े लॉन्च इवेंट तक ऐसा नहीं करेगा। सबसे पहले ब्रांडिंग स्पष्ट रूप से बदल रही है। सीईओ सत्या नडेला और विंडोज और डिवाइसेज के प्रमुख पैनोस पाना जैसे लोग इसे विंडोज की अगली पीढ़ी कह रहे हैं, न कि विंडोज 10 की। जब विंडोज 10 ब्रांड था तो वह महत्वपूर्ण था। माइक्रोसॉफ्ट इन लिपियों को दुर्घटनावश नहीं लिखता है, लेकिन आइए उन संकेतों को देखें जो माइक्रोसॉफ्ट ने खुद गिराए हैं, और ये कुछ हैं। ये रहा वह ट्वीट जो 24 जून के कार्यक्रम की घोषणा के इर्द गिर्द घूम रहा है। पहली नजर में ऐसा लग सकता है कि यह एक स्थिर छवि है, लेकिन 6 सेकंड के वीडियो में सूक्ष्म हलचलें हैं। विंडोज लोगों के माध्यम से प्रक्षेपित प्रकाश आगे बढ़ रहा है और यह निश्चित रूप से उद्देश्य पर है। क्या यह विंडोज 10 पर सूर्यास्त हो सकता है? शायद यह केवल आकाश में घूमता हुआ सूर्य भी हो सकता है, जो सनवैली कोडनेम का प्रतिनिधि है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि विंडोज लोगो में क्षैतिज क्रॉसबार प्रकाश के माध्यम से चमकने में मौजूद नहीं है। इस जानबूझकर किए गए बदलाव के कारण यह 11 जैसा दिखता है। यह कार्यक्रम भी पूर्वाह 11 बजे पूर्वी समय पर आयोजित किया जा रहा है, जबकि यह अपने आप में बहुत अजीब नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट रेडमंड वाशिंगटन में स्थित है। यह आमतौर पर प्रशांत समय में घटनाओं की घोषणा करता है। दूसरे शब्दों में यह सिर्फ एक और 11 विषय है।